जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों के साथ आज सुबह 9:30 बजे श्री हेमकुंड साहिब के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उत्तराखंड के पांचवें धाम के नाम से दुनिया भर में विख्यात हेमकुंड साहिब की यात्रा को सुगम बनाने के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं के लिए सभी सुविधाओं का ख्याल रखा जा रहा है। सप्तशृंग पर्वत मालाओं के बीच 4,632 मीटर की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र धाम में 18 किलोमीटर की पैदल कठिन चढ़ाई को पार कर पहुंचा जाता है। विगत दिनों सेना के जवानों ने हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग से बर्फ हटाकर आवाजाही सुचारू कर दी थी। वहीं धाम में कुछ जगहों पर अब भी कई फीट बर्फ जमी हुई है। आज से यात्रा शुरू हो गई। गोविंद घाट गुरुद्वारे से पंच प्यारों की अगुवाई में सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था कड़ी पुलिस सुरक्षा एवं बैंड बाजों की धुन और पवित्र निशान के साथ श्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुआ। हेमकुंड साहिब जी आने वाले सभी तीर्थयात्री श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलते हैं।